आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 24 मार्च यानी कि आज तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी और इस याचिका में मांग की गई थी कि राव रेवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है कि तत्काल सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, यानी रिमांड गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया गया था इस याचिका में, तो इस पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट तैयार नहीं है। कल केजरीवाल की लीगल टीम ने सुनवाई के लिए, तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की थी। 27 मार्च के बाद इस मामले पर सुनवाई हो सकती है, तो अरविंद केजरीवाल को ये हाईकोर्ट से बड़ा झटका है क्योंकि आज तत्काल सुनवाई की वहां पर मांग की गई थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं होगी। दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई नहीं करेगा क्योंकि रविवार है आज, इसलिए छुट्टी बताई जा रही है। तो कल होली की वजह से छुट्टी है, तो इस मसले पर 27 तारीख के आसपास पूरे इस प्रकरण पर सुनवाई हो सकती है। तो कल अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार सुर्खियों में है, ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको पंजाब केसरी टीवी पर बता रहे थे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने राव रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि रिमांड और जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, अब इसी फैसले के खिलाफ, पीएमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है अरविंद केजरीवाल की टीम। 24 मार्च यानी कि आज तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से मना कर दिया है। तो किस तरीके से मना किया है, हवाला कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सरकारी छुट्टी की वजह से अब इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई नहीं होगी। तो अरविंद केजरीवाल फिलहाल 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे, ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं तथा कथित दिल्ली शराब घोटाले में, उनकी 21 मार्च की शाम करीब 9 बजे के आसपास ईडी के अधिकारियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद राव रेवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया था और पेशी के बाद उनको करीब 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया था। तो उसी ईडी रिमांड के जो दी गई है 6 दिन की, उसी राव रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और रिमांड और जो गिरफ्तारी है उसको पूरी तरीके से गैर कानूनी बताया गया है। लेकिन अभी इस पूरे फैसले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है, यानी अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है, उसने तत्काल सुनवाई की मांग की थी और आज 24 मार्च की तारीख पर सुनवाई करने के लिए कहा था हाईकोर्ट से, लेकिन हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन हाईकोर्ट से राहत मिल सकती है, लेकिन तत्काल सुनवाई से कोर्ट ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। 27 मार्च के बाद इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस प्रकरण पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा तो क्या सुनवाई करेगा और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जो है वो राहत मिलेगी। फिलहाल ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है, तत्काल सुनवाई से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 27 के मार्च बाद कभी भी इस मसले पर सुनवाई हो सकती है। केजरीवाल की जो लीगल टीम है उसने कल दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है आम आदमी पार्टी, क्योंकि कल भगवंत मान जो हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनकी अगुवाई में राजधानी दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। अब इस प्रदर्शन के बाद जो है आज आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन कर सकती है, जिसको लेकर जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और दिल्ली पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल इस्तीफा भी नहीं देंगे, जेल से सरकार चलेगी, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार इस मसले को जोर शोर से उठा रही है, इंडिया अलायंस के नेता भी साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल और विचारणीय प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जो इंडिया अलायंस के नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हुंकार भर रहे हैं, लेकिन वो हुंकार सोशल मीडिया और मीडिया के बयानों तक ही सीमित है। कोई भी बड़ा नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में या केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली की सड़कों पर कोई बड़ा आंदोलन करने से पीछे अपने कदम क्यों खींच रहा है, ये गंभीर सवाल बना हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में अभी तक कोई भी इंडिया अलायंस के नेता की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन नहीं किया गया है, बड़ा आंदोलन नहीं किया गया है। सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस वक्त जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ
हल्ला बोले हुए हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक, पंजाब हरियाणा से साउथ इंडिया तक, जगह जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज भी एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से 22 मार्च को जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट के बाद जिस तरीके से मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, उसके बाद मामला और गर्मा गया था। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल के लिए अभी फिलहाल राहत नहीं है क्योंकि हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। 27 मार्च के बाद कभी भी इस मसले पर सुनवाई हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम और राउच एवेन्यू की जो पीएमएलए कोर्ट है उसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और याचिका में कहा गया है कि जो गिरफ्तारी और रिमांड है ईडी की वो पूरी तरीके से इलीगल है, अवैध है, गैरकानूनी है, इसी फैसले को चुनौती दी गई है। फिलहाल इस पर हाईकोर्ट कब सुनवाई करेगा कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन आज के लिए सुनवाई की मांग की थी अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने, तत्काल सुनवाई की मांग की थी लेकिन तत्काल सुनवाई से जो है वो मना कर दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको पहुँचा रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जो है वो पहला आदेश दिया है, कस्टडी से आदेश दिया है, ईडी की रिमांड से आदेश दिया है, जल विभाग से संबंधित ये आदेश बताया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ये पहला आदेश दिया है, ये बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, ईडी कस्टडी में है, 6 दिन की ईडी रिमांड पर हैं। और इसी बीच जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, तो वहीं ईडी की कस्टडी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। ईडी की कस्टडी से यह पहला आदेश जारी हुआ है, बताया जा रहा है रिपोर्ट की माने तो जल विभाग से संबंधित अरविंद केजरीवाल ने एक पहला आदेश जारी किया है और इस आदेश में क्या कुछ है हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी ने अपना बयान जारी किया है और कहा है ये पहला आदेश है अरविंद केजरीवाल का ईडी कस्टडी से जो उन्होंने जारी किया है, जल विभाग से संबंधित ये आदेश है। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार जेल से ही चले गए, दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा और काम जेल से ही होता रहेगा, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी में उन्होंने बताया है कि जो काम है दिल्ली वालों का वो कोई काम नहीं रुकेगा, सारे काम होते रहेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली जल विभाग से संबंधित एक आदेश जारी किया है, ईडी कस्टडी से पहला आदेश है मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल का। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से पहला आदेश जारी किया है, जल विभाग से संबंधित ये आदेश उन्होंने जारी किया है। इस आदेश पर क्या कुछ कहा है दिल्ली की मंत्री आतिशी ने, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रुकेगा। हम आपको वो दिल्ली के जो मंत्री हैं आतिशी, उनका बयान सुनवा देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर ईडी की कस्टडी से वो कौन सा आदेश जारी किया है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी आज केंद्र सरकार की ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा, दिल्ली वालों का लगातार काम होता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है
जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ उनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है, और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जो जेल जहां पर हैं, जिस ईडी कस्टडी में हैं, उस ईडी कस्टडी से वो काम करते रहेंगे, और ईडी कस्टडी से सीएम केजरीवाल ने ये पहला आदेश जारी किया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल 6 दिन की ईडी रिमांड पर हैं और 28 मार्च तक वो ईडी की रिमांड पर रहेंगे, वहीं से उन्होंने एक बड़ा आदेश जारी किया है। और ये आदेश क्या है? आदेश जल विभाग से संबंधित है, यानी जल विभाग के जो भी कामकाज हैं वो नहीं रुकेंगे। उसी से संबंधित सीएम केजरीवाल ने पहला आदेश, यानी ईडी कस्टडी में पहला आदेश जारी किया है एज अ मुख्यमंत्री के तौर पर। उसी आदेश के बारे में अभी जानकारी दे रही थी दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं, यानी आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता आतिशी, और वो बता रही थी कि दिल्ली वालों का काम नहीं रुकेगा, जेल से ही सरकार चलेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।